दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। खुशामदीद नासरीन, A18 तेलंगाना न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। दूसरी कम्युनिटी के कुछ मकामी लोगों ने मुसलमानों के लिए परेशानी पैदा करके हैदराबाद को UP या गुजरात बनाने की कोशिश की और सुल्तानपुर बालापुर की जामा मस्जिद हुसैनी में लाउड स्पीकर को अजान देने की इजाज़त ना देने के बाद जब हमारी खबरें और दीगर मीडिया इस मामले पर AIMIM के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक पहुंचे तो इन्होंने जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन को वहां पर भेजा और जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन ने यकीन दिलाया कि अब से कोई भी परेशानी पैदा नहीं करेगा, लाउड स्पीकर अजान का भी इंतजाम किया जाएगा। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ के लिए खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नकवी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सुदीमी साहब की हिदायत पर और हमारे अहमद पाशा खादी साहब की हिदायत पर यहाँ पर सुल्तानपुर की मस्जिद में जो 3-4 दिन से जो मीडिया में गश्त कर रही थी कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी नहीं जा रही है और यहाँ पर इमामों को सताया जा रहा है, मौजून को सताया जा रहा है, नमाज़ पढ़ने लोग आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, बल्कि हमको यहाँ पर इतला मिली थी हमारे बैरिस्टर सुदीमी साहब को, तो इमीडिएटली मेरे को यहाँ पर भिजाकर यहाँ के मस्जिद का दौरा किया जो बाजुक के मकान और ये मस्जिद में थोड़ा ही फासला है, उस ताल्लुक़ से यहाँ पर एक हदबंदी के लिए कुछ बहसें और तकरार हो रही थी। शरपरस लोग आकर यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ के बालापुर SHO इंस्पेक्टर से जाकर बात की और वहाँ पर ये पूरे वाक़े का उनको जायज़ा कराया, उनको बताया कि पिछले 2 साल से यहाँ पर ऐसी ही तकलीफ़ यहाँ के पड़ोसी दे रहे थे बोलकर, तो उन्होंने भी हमको तवक्को दी है कि इंशाल्लाह आगे जाके ऐसा नहीं होगा और जुमे की नमाज़ के दिन इंशाल्लाह यहाँ पर हदबंदी का काम भी किया जाएगा और माइक का मसला रहा, माइक भी कल लगा दिया जाएगा इंशाल्लाह। नकवी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सुदीमी साहब की हिदायत पर मैं मस्जिद का ये सुल्तानपुर जामे मस्जिद का मौज़न हूँ। मेरा नाम मंजूर अहमद है। जो 3 रोज़ पहले यहाँ पे जो गड़बड़ हुई हो चुकी थी तो यहाँ पे मुसल्लियों को आने के वास्ते में रुका जा रहा था और जमात आने से रुकावट हो रही थी, और तीसरा जो मस्जिद की जो प्रॉपर्टी थी वो दीवार लगाने की उसके बारे में भी रुकाया जा रहा था, क्योंकि वो दीवार लगाना ज़रूरी था, हमारे को मस्जिद के अंदर कुत्ते वगैरह सब आ रहे थे, तो इसको पाबंदी कर लेने के वास्ते में हम दीवार लगाने का कोशिश करें तो बाजू के मकान वाले रुका दिए, तो इसलिए हम फिर भी समझ के रहे। और तीसरी बात और चौथी बात ये भी है, माइक में जो अजान नहीं हो रही, सारे शहर के अंदर नहीं सारी दुनिया के अंदर कोई मस्जिद के अंदर अजान नहीं हुई घर का नहीं है, तो इस मस्जिद के अंदर रुकावट बहुत हो रही थी, तो ये सब होने पर ये जो परसों जो जमात आके रुकाने की वजह से ये अपने लोग यानी अपने मुतवल्ली समझिए और अपने यानी अपने कौम के दिगर जो हाजरीन हमारे जो अब्दुल्ला साहब क्या है हबी और जो असदुद्दीन साहब क्या है और ओवैसी साहब क्या है, पाशा खादरी साहब क्या है, ये सबको भी इंटीमेशन हुआ था, तो ये लोग भी हमारे चेयरमैन साहब अब्दुल्ला साहब को भी यहाँ पे भेजकर इस चीज़ पर गौर फिक्र करें और करके सबसे भी समझौता करें, समझौता करके कल जुमा के बाद यहाँ पे जो दीवार लगाने के वास्ते में शुरू हो रहा और माइक भी लगाने के वास्ते में आप तैयार हो गए आप ही। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE+ EXCEED सिलेबस विच इज फॉलोड इन 8 कंट्रीज, मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन, 5-step activity based and playway method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat. No heavy bags. Locker for every student. Personality development through life skills. Physical fitness and sports. Transport facility available. Hyderabad International School. Branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.